नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप इसको टॉपिक भी मान सकते हो या क्वेश्चन भी आप मान सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, जिसे जिसका दूसरा नाम क्या है, 10 वर्ग प्रविधि। और ये किसने दिया, फ्लैंडर ने दिया, यानी इसके जो संस्थापक हैं वो फ्लैंडर हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है वो आपकी जो दूसरी बुक चलती है अधिगम एवं शिक्षण का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पिछली बार भी एग्जाम में आया था, तो इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो सिद्धांत है उसको अपन खोल कर रखेंगे कि आखिरकार में अपन पढ़ने वाले क्या हैं। इसमें जब टॉपिक शुरू होता है उसके पहले अपन को ये पता चल जाता है कि अपन इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना, अंतःक्रिया ये जो शब्द है उसका अर्थ सबसे पहले देखो कि अंतःक्रिया का मतलब तो अपन ये जानते हैं कि समाज में या किसी भी स्थान पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में विचारों से संबंध स्थापित करता है, यानी बातें करता है, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, अंतःक्रिया। यानी उन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, इसका मतलब उन दोनों के बीच में क्रिया हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अंतःक्रिया है वो किसी समाज के लिए यूज में नहीं ली गई है, ये अंतःक्रिया कक्षा के लिए यूज में लिया गया ये शब्द यहाँ पर, ठीक है। इस सिद्धांत में, फ्लैंडर का जो ये सिद्धांत है उसमें जो अंतःक्रिया, कहाँ की अंतःक्रिया की बात हो रही है यहाँ पर, कक्षा कक्ष में जो अंतःक्रिया होती है उसकी बात हो रही है। अदरवाइज अंतःक्रिया का अर्थ अलग होगा, लेकिन यहाँ पर जो अंतःक्रिया की बात हो रही है वो कहाँ की हो रही है, कक्षा कक्ष की। ये जो कक्षा कक्ष है, ये चित्र जो बन रहा है ना, ये कक्षा कक्ष है, ठीक है, कक्षा कक्ष। तो वहाँ पर आपको पता है कि कक्षा में दो ही होते हैं, एक तो शिक्षक होता है और एक विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो अंतःक्रिया होगी, शिक्षक बालकों को पढ़ाएगा, शिक्षक पढ़ेंगे, वो जो शिक्षक बालकों को पढ़ाएगा और बालक पढ़ेंगे, और बालकों को कुछ नहीं आ रहा है तो सर से पूछेंगे, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है। आखिरकार में जो आगे क्या दे रखा है, विश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण दो शब्द होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखते होंगे कि सबसे पहले तो अपन विश्लेषण जो होता है, विश्लेषण शब्द होता है एक तो, और एक होता है संश्लेषण। संश्लेषण दोनों में अंतर है, यहाँ पर अपन किसी चीज़ का जो अध्ययन करते हैं उसको अलग अलग शाखाओं में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि शाखाओं को एक साथ जोड़कर अपन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विश्लेषण का मतलब अंतःक्रिया, और अंतःक्रिया में बालक और शिक्षक का जो व्यवहार है उसको अलग करके, उसको अलग करके इस सिद्धांत में बताया गया है। यानी एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होता है उसको अलग अध्ययन किया गया है, और एक शिक्षक का जो व्यवहार होता है उसको अलग करके, यानी दोनों को, बालक के व्यवहार का और शिक्षक के व्यवहार का, दोनों को अलग करके इस सिद्धांत में बनाया गया है, जिसे 10 वर्ग प्रविधि यानी 10 वर्गों में इसको बांटा गया है फ्रेंड्स। तो आपको चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो गई होंगी, तो इस सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन शिक्षक के व्यवहार का अर्थ जानेंगे, क्योंकि अपन तो कक्षा कक्ष में बालक और शिक्षक के व्यवहार का ही अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप देखोगे कि ये फ्लैंडर का जो सिद्धांत है वो कैसे अस्तित्व में आया, और उसके बाद में फ्लैंडर का सिद्धांत यहाँ से शुरू होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें अपन स्पष्ट तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं शिक्षक व्यवहार का अर्थ, आखिरकार में शिक्षक व्यवहार का अर्थ क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब
जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में विषय वस्तु यानी जो बुक होती है के बारे में बालक से बातचीत करता है, जिसे ही अपन शिक्षक व्यवहार कहते हैं। यानी आपको ये कक्षा दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर ये कौन है भाई? शिक्षक है। ये सारे के सारे बालक बैठे हैं, ये श्यामपट है, ये एक स्टूल है जिस पर चौक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ही इसमें प्रवेश करेगा तो बालकों से बातचीत करेगा और फिर पढ़ाने लग जाएगा, तो पढ़ाते किससे? विषय वस्तु को लेकर यानी बुक को लेकर बातचीत करता है बालकों से। तो उस व्यवहार को ये सारा जो कक्षा कक्ष में जो बातचीत हुई, एक शिक्षक इनको समझा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सारा व्यवहार किस में आया? शिक्षक व्यवहार में आएगा। यानी एक शिक्षक बालकों यानी एक शिक्षक बालकों को पढ़ा रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसे ही शिक्षक व्यवहार कहते हैं। बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इस शिक्षक व्यवहार में और क्या क्या आएंगे। तो आप देखोगे कि विषय से संबंधित भाषण देना, विषय से संबंधित भाषण देना। यहाँ पर एक शिक्षक है, वो विषय वस्तु पढ़ाएगा, बुक पढ़ाएगा, चाहे सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हो, चाहे कोई सी विषय पढ़ा रहा हो, तो वो इनको समझा रहा है, तो भाषण ही तो दे रहा है ना एक प्रकार से, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में बच्चों से प्रश्न पूछना, ये जो शिक्षक है वो बालकों से प्रश्न भी पूछेगा, ठीक है, ये भी शिक्षक व्यवहार में आ जाएगा। तीसरा, श्याम पट पर लिखना, श्याम पट पर ये दे रखा है, यहाँ पर चीज़ें समझाने के लिए लिखेगा, तो ये भी शिक्षक व्यवहार में आता है। इसके बाद में सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सहायक सामग्री का मतलब आप जानते हो, सहायक सामग्री में श्याम पट भी आ जाता है, सहायक सामग्री में चौक भी आ जाता है जिससे अपन पढ़ाते हैं, डस्टर आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये सहायक सामग्री हैं, तो इनका यूज नहीं ले रहा क्या है? चौक का यूज नहीं कर रहा, यहाँ पर ये जो श्याम पट है उसका यूज नहीं कर रहा, डस्टर का यूज नहीं कर रहा, तो ये सारी की सारी सहायक सामग्रियों का यूज भी तो कर रहा है ना। इसके बाद में अनुशासन को बनाए रखने के लिए बच्चों को डांटना, यानी बच्चे यदि अपराध कर रहे हैं या कुछ उदंडी बालक हैं, उनमें अनुशासन रखने के लिए कक्षा पूरी कक्षा को डाइवर्ट कर देता है एक से बालक, इसलिए उनको डांटना ताकि वो अनुशासन में रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, शिक्षक व्यवहार का मतलब अपन ने समझ लिया। अब ये जो शिक्षक व्यवहार के बारे में मकनरजेंसी और कॉर्नर ने परिभाषित किया है कि शिक्षक व्यवहार आखिरकार में होता क्या है, तो यहाँ पर देखना, शिक्षक व्यवहार शिक्षक की विशेषताओं, उसके परिवेश, और तीसरा उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का यानी कार्यों पर निर्भर करता है। यानी इस परिभाषा को मैंने तीन टुकड़े कर दिए, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि शिक्षक के व्यवहार की परिभाषा बता रही है, ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षक व्यवहार आखिरकार में होता क्या है, तो वो ये बता रहे हैं कि शिक्षक की विशेषताएँ, कि शिक्षक के अंदर क्या क्वालिटी है, वो बच्चों को समझा पा रहा है या नहीं पा रहा है, क्या एक स्टूडेंट के दिल में एक शिक्षक राज कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सारी क्वालिटी देखी जाती है, और उसके परिवेश में यहाँ यानी जहाँ पर वो रहता है उसका परिवेश कैसा है, कौन सी सोसाइटी में रहता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य, जो भी वो कार्य संपन्न करता है उनके द्वारा जो कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, यानी ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों के आधार पर ही शिक्षक का व्यवहार डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें ये परिभाषा में ये समझाया गया है। इसके बाद में फ्रेंड्स क्वेश्चन बना दिया मैंने ऐसे ही ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली के लिए किसका नाम प्रसिद्ध है? यानी हम सबको पता है कि फ्लैंडर का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का को देने में, तो आपका आ जाएगा फ्लैंडर। आप कैसे कैसे लिखोगे इसमें कि
अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के लिए फ्लेंडर यानी ये शब्द यहाँ आ जाएगा, फ्लेंडर का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में आप लिखोगे कि यह विधि कक्षा में शिक्षक व छात्रों के मध्य शाब्दिक व्यवहार पर जो जोर देती है। ठीक है, यानी ये जो विधि है वो शिक्षक यानी कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्र के मध्य जो शाब्दिक व्यवहार होता है यानी शब्दों के द्वारा ही तो व्यवहार होता है ना, एक शिक्षक बोल रहा है शब्दों के द्वारा ही तो बोल रहा है और एक बालक बोल रहा है तो वो भी शब्दों के द्वारा ही बोल रहा है, तो शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इस सिद्धांत पर। मैंने पहले ही बता दिया है कि एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में शाब्दिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में ये अस्तित्व में कैसे आए ये सिद्धांत, यानी फ्लेंडर ने अपने सहयोगियों के साथ मिनेसोटा विश्वविद्यालय में यानी 1955 से लेकर 1960 के बीच में इस विधि का विकास हुआ, यानी इस विधि का विकास कहाँ पर हुआ, ध्यान में रखना मिनेसोटा एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर इस विधि का विकास हुआ और टाइम भी दे रखा है कि 1955 से 1960 के बीच में इस विधि का विकास हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो फ्लेंडर का जो सिद्धांत है वो यहाँ से शुरू होता है, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्लेंडर की 10 वर्ग परिविधि क्या है, यानी इसमें 10 वर्गों का अध्ययन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फ्लेंडर ने यानी ने आएगा सॉरी यहाँ पर ने यानी फ्लेंडर ने कक्षा में होने वाले शाब्दिक व्यवहार या क्रिया को 2 भागों में वर्गीकरण किया है, यानी फ्लेंडर ने जो कक्षा कक्ष में जो व्यवहार हो रहा था उसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, और ये 2 भाग कौन कौन से थे, शिक्षक कथन और छात्र कथन, यानी 2 वर्गों में बांट दिया फ्लेंडर ने। ठीक है, शाब्दिक व्यवहार को। इसके बाद में ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के अलावा का मतलब ये 2 शिक्षक कथन और छात्र कथन, इसके अलावा तीसरा प्रकार भी है, यानी तीसरा प्रकार भी निकाला गया जिसमें उपयुक्त दोनों प्रकार नहीं आते, यानी शिक्षक कथन और छात्र कथन इस प्रकार में नहीं आएंगे या तीसरे प्रकार में नहीं आएंगे जिसे अपन क्या कहते हैं, मौन या विभ्रांति। यानी ऐसे मान सकते हो कि आप ये तीसरा प्रकार और बांटा गया है, यहाँ पर 2 प्रकार तो ये है ही, यानी मौन या विभ्रांति। ठीक है, तो ये जो तीसरा प्रकार बांटा है इस प्रकार में ध्यान में रखना ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों इससे अलग है, पहले ही बोल दिया है जिसमें उपयुक्त दोनों प्रकार नहीं आते। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर 2 व्यवहार बांट दिए, शिक्षक कथन, शिक्षक जो बोल रहा है वो, छात्र जो बोल रहे हैं प्रश्न पूछ रहे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको एक एक खोल खोल के रख देते हैं, शिक्षक कथन क्या है छात्र कथन क्या है वो अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लो शिक्षक कथन, ये शिक्षक कथन क्या होता है, इसमें कक्षा में शिक्षक यानी कक्षा में शिक्षक द्वारा बोले गए कथन या शाब्दिक व्यवहार को शामिल किया जाता है, यानी इसमें है ना जो ये कथन है ना, शिक्षक का जो कथन है कक्षा कक्ष में जो बातें कर रहा है वो इस शिक्षक कथन में शामिल किया जाता है। इससे ही अपन को पता लग रहा है कि शिक्षक कथन यानी किसका कथन, शिक्षक का कथन। तो एक शिक्षक क्या बोलता है कक्षा कक्ष में बालकों से, कैसे बातें करता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जो शिक्षक कथन है ना उसको भी 2 भाग में बांट दिया, इसको भी इन्होंने 2 भाग में बांट दिया, और 2 भाग कौन कौन से थे, यानी इन 2 भागों में जो बांटा है वो किस आधार पर बांटा है, कक्षा में छात्रों की स्वतंत्रता देने के लिए, यानी
कक्षा में छात्रों को स्वतंत्रता देने के आधार पर शिक्षक कथन को दो भागों में बांटा गया है। आप कैसे लिखोगे? फ्लैंडर ने शिक्षक कथन को कक्षा में छात्रों को स्वतंत्रता देने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ऐसे लिखोगे। और ये दो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है अप्रत्यक्ष व्यवहार और दूसरा भाग है प्रत्यक्ष व्यवहार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ लगना चाहिए था। नहीं, यहाँ पर मैंने उल्टा थोड़ा, ये प्रत्यक्ष व्यवहार यहाँ लिखा जाना चाहिए था और अप्रत्यक्ष व्यवहार यहाँ लिखा जाने चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको जानेंगे क्योंकि नंबर हमने यहाँ पर लगाए एक, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष व्यवहार और प्रत्यक्ष व्यवहार, ठीक है। अप्रत्यक्ष व्यवहार में क्या आता है? यानी एक शिक्षक जो होता है वो छात्रों को स्वतंत्रता ज़्यादा देता है। यानी कक्षा कक्ष में एक शिक्षक छात्रों को स्वतंत्रता ज़्यादा दे रहा है, यानी शिक्षक कम क्रियाशील है वहाँ पर और बालकों को बोलने का ज़्यादा मौका दे रहा है, यानी स्वतंत्रता दे रहा है इस अप्रत्यक्ष व्यवहार में, ठीक है। इस अप्रत्यक्ष व्यवहार को भी अपन चार वर्गों में विभाजित करते हैं, ध्यान में रखना, चार वर्गों में अपन विभाजित करते हैं। और ये जो 10 वर्ग दे रखे हैं ना, ये पूरे के पूरे टोटल 10 वर्ग हो जाएंगे। चार ये हो गए, तीन ये हो गई, और दो है ना जो इसमें से निकलेंगे, दो वर्ग इसमें से निकल जाएंगे और एक वर्ग बचा जो इसमें से निकल जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 और 1, 10, यानी टोटल 10 वर्ग हो जाएंगे। तो प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष व्यवहार है उसको चार वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्यक्ष व्यवहार है उसको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब हमने इसका अर्थ तो जान लिया, लेकिन इसका अर्थ नहीं जाना, ये इसका विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर है कि शिक्षक छात्रों को कम स्वतंत्रता देता है, वह स्वयं ज़्यादा क्रियाशील रहता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक शिक्षक जो है ना बालकों को कम स्वतंत्रता दे रहा है, और इसमें क्या था, एक शिक्षक बालकों को ज़्यादा स्वतंत्रता दे रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष व्यवहार में शिक्षक ज़्यादा स्वतंत्र है, बालकों को कम स्वतंत्रता दे रखी है, यानी शिक्षक ज़्यादा बोल रहा है, शिक्षक ज़्यादा पढ़ा रहा है, बालक कम चुप है, यानी चुप हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें अपन तीन वर्गों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये टोटल 10 वर्ग अपन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपको बिल्कुल ही अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें। तो फ्रेंड्स, आपको स्पष्ट सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर और कुछ लिखा है, बस ये पढ़ने के बाद में आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपन को 10 वर्ग पढ़ने हैं, तो ये टोटल 10 वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कह वाला शिक्षक कथन, यानी हमने यहाँ पर क्या देखा था, शिक्षक कथन, ठीक है। इसमें अपन पढ़ रहे हैं क्या, अप्रत्यक्ष व्यवहार, यानी अप्रत्यक्ष व्यवहार इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसके बाद में अप्रत्यक्ष व्यवहार में कितने वर्ग थे? चार वर्ग, ठीक है। तो ये चार वर्ग हमने यहाँ पर लिख दिया, प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग। यानी अप्रत्यक्ष व्यवहार में कुल कितने वर्ग आएंगे? चार वर्ग आएंगे, यानी इस 10 वर्ग में से चार वर्ग इसमें आएंगे अप्रत्यक्ष व्यवहार में, ठीक है। तो पहला प्रथम वर्ग कौन सा है? इसमें है छात्रों की अनुभूतियों को स्वीकार करना। अनुभूति का मतलब भावनाएं। कक्षा कक्ष में बालकों की भी तो कुछ भावनाएं होती है, उनको एक शिक्षक द्वारा स्वीकार करना, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। जो शिक्षक होता है, शिक्षक द्वारा छात्रों की बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उनको एक शिक्षक द्वारा स्वीकार करना, यही प्रथम वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि दूसरा वर्ग,
दूसरे वर्ग में प्रशंसा करना और प्रोत्साहित करना। प्रशंसा किसकी करने की बात हो रही है? छात्रों की, यानी एक शिक्षक द्वारा बालकों की प्रशंसा करना ताकि वो मोटिवेट हो सके और उनको प्रोत्साहित करना। जैसे प्रशंसा नहीं करते, वाह आपने तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो मोटिवेट करना ताकि वो आगे चलकर और पढ़े, प्रोत्साहित करना। इससे क्या होता है कि अपन जब छोटी क्लासों में थे उस टाइम खड़े कर कर बोल देते थे नाम से भी कि इसने बहुत अच्छा किया, तो बहुत मोटिवेट होते थे। तो इस दूसरे वर्ग में यही बताया गया है। तीसरा वर्ग आप देखोगे कि छात्रों के विचारों को, यानी छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। यानी कक्षा कक्ष में जब एक शिक्षक पढ़ा रहा है और बालक कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ विचार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना, इन विचारों को एक्सेप्ट करना एक शिक्षक द्वारा, ठीक है। इसके बाद में चौथा है, हाँ यहाँ पर जो छात्र कुछ बोल रहा है यानी कोई विचार दे रहा है और एक शिक्षक यदि उनको स्वीकार कर लेता है ना, तो वो बालक मोटिवेट होगा कि मेरे विचारों को सर मान रहे हैं, इसका मतलब मैं सही हूँ, है ना। चौथा वर्ग इसमें आता है प्रश्न पूछना। प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाएंगे? एक शिक्षक द्वारा। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने की बात हो रही है, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, शिक्षक कथन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, प्रत्यक्ष व्यवहार हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कितने वर्ग माने थे? तीन वर्ग। तो चार वर्ग तो ये हो गए, तीन वर्ग और आएंगे, एक दो तीन, ठीक है। तो चार और तीन सात हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर नहीं दिया है, क्योंकि पांचवा वर्ग अप्रत्यक्ष व्यवहार में शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पांचवा वर्ग क्या है? व्याख्यान देना। व्याख्यान कौन देगा? एक शिक्षक देगा। व्याख्यान का मतलब पढ़ा रहा है, कोई पाठ पढ़ा रहा है तो पूरा व्याख्यान तो दे रहा है, पढ़ा ही तो रहा है, ठीक है। तो पांचवा वर्ग इसमें आ जाएगा। छठा वर्ग क्या कह रहा है? निर्देश देना, यानी बालक को किसी चीज़ पर निर्देश देना कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ये छठे वर्ग में आ जाएगा, निर्देश देना, ठीक है। सातवां वर्ग आप देखोगे तो आलोचना करना। किसकी आलोचना करेगा एक शिक्षक? बालक की आलोचना करेगा कि आप गलत कर रहे हो, आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे। इसके बाद में अधिकार दिखाना। एक शिक्षक बालक पर अधिकार दिखाए कि मैं शिक्षक हूँ, आप छात्र हो और उसी के अनुसार आप व्यवहार करो। यानी अधिकार दिखाना ताकि वो बालक स्वयं ये सोचे कि ये मेरे प्रति उत्सुक है और मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है एक शिक्षक, ठीक है। तो अधिकार दिखाएगा। तो ये सात वर्ग तक, यानी सात वर्गों की हमने बात कर ली, ठीक है। इसके बाद में ये टोटल सात वर्ग हो गए, ठीक है। इसके बाद ये शिक्षक कथन में तो सात हुए ना, बाकी का ये बचा है छात्र कथन। इसमें दो कथन वर्ग आएंगे, ठीक है। इसमें दो वर्ग आएंगे। दूसरा कथन कौन सा है? छात्र कथन। इसमें दो वर्ग आएंगे, आठवां वर्ग और नवा वर्ग, ठीक है। नवा वर्ग, ठीक है। तो आठवें वर्ग में क्या आ रहा है? आठवां वर्ग छात्र कथन अनुक्रिया। इसमें क्या होगा कि जब एक शिक्षक छात्रों को क्वेश्चन पूछ रहा है तो छात्र उनका जवाब देंगे, उसे ही क्या कहते हैं? छात्र कथन अनुक्रिया। इस आठवें वर्ग में ये आएगा, ठीक है। नवा जो वर्ग है इसमें क्या आएगा? नवे वर्ग में छात्र कथन स्वप्रक्रम, ठीक है। इस वर्ग में, नवे वर्ग में क्या होगा? इस वर्ग में ये होगा कि छात्र क्वेश्चन, वो शिक्षक क्वेश्चन नहीं करेगा, छात्र क्वेश्चन पूछेंगे शिक्षक से। तो ये डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद में छात्र कथन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो तीसरा प्रकार यहाँ पर बताया गया था वो दसवां वर्ग बन जाएगा। यानी दसवां वर्ग कौन सा है? मौन या विभ्रांति। यानी मौन का मतलब, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में क्लास बिल्कुल मौन हो जाती है, ना तो शिक्षक बोलता है ना छात्र बोलते, बिल्कुल मौन हो जाती है। और या फिर विभ्रांति, यानी सारे जो स्टूडेंट है वो एक साथ बोलते हैं, शिक्षक को बोलने का मौका ही नहीं देते, तो वो विभ्रांति हो जाएगी।
और सारे मौन रह रहे हैं तो मौन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 10 वर्ग हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो एक बारी और देख लेना, क्योंकि मैंने पूरा जोर लगाकर आपको समझा दिया है, आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।